कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को गुजरात के वलसाड़ पहुंचे। यहां राहुल ने रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने आरोप लगाया, पीएम मोदी किसानों का कर्जा माफ करने में रुचि नहीं लेते हैं, लेकिन देश के बड़े कारखाना मालिकों को 3.5 लाख करोड़ का कर्ज माफ करते हैं। राहुल ने कहा, किसानों को 17 रुपए देकर मोदी सरकार किसानों का मजाक बना रही है। लंबानी जी के बैंक अकाउंट में 30,000 करोड़ रुपए डालते हैं, वैसे कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर गरीब के बैंक अकाउंट में धड़ाक से पैसा डालेगा। दिन के 3.5 रुपए एक परिवार को 17 रुपए और बीजेपी के एमपी धड़ाधड़ 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 ताली बजा रहे हैं। अरे भाई, किस बात की ताली बजा रहे हो? उसको आप 30,000 करोड़ रुपए देते हो और हिंदुस्तान के किसान को 17 रुपए अपमान करते हो हिंदुस्तान के किसान।